देख रहे हैं सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं बुंदेलखंड में हूं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट या जो नेता हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम झांसी जनपद की मौरानीपुर विधानसभा में हैं और यहां से बहुजन समाज पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को, जो अपना प्रत्याशी बनाया है युवा को, उनसे जानेंगे वो किस तरह से मौरानीपुर को देख रहे हैं। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई जी। रोहित रतन जी, मेरा एक सवाल था, सबसे पहले तो बसपा में जो युवाओं को भागीदारी मिली है उससे कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस बार हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को भागीदारी देने का कार्य किया है। उन्होंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि इस बार 50% टिकट हम युवाओं वर्ग को देने की तैयारी में हैं और उन्होंने 50% टिकट युवाओं को दिए हैं जी। और चूंकि बहुत तेज़ी से युवा बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है, उससे जुड़ने का कार्य कर रहा है। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जी निभा रहे हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी के लड़के हैं जी। और देश के अंदर पूरे अन्य प्रदेशों में, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी रैली की हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने, उनके माध्यम से भी युवा पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहा है। और आप देखेंगे आने वाले 2022 के चुनाव में युवा पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा और पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगा। जिस तरह से जब आपका टिकट क्लियर हुआ था, आपकी घोषणा हुई थी, उस समय हमने देखा था कि भीड़ काफ़ी थी और आपने जिस तरह से मौरानीपुर नगर में काफिला लिखा रहा था, क्या लग रहा उसी तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है कि कुछ धीमा तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, धीमा तो नहीं है, दिन पे दिन कारवा बढ़ता जा रहा है जी। और जैसे जैसे कि हमारे चुनाव की तिथि करीब आती जा रही है, कारवा बढ़ता जा रहा है हमारा। मौरानीपुर के निवासी बहुत रुष्ट हैं, अभी तक वहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना विकास किया है, अपने बड़े बड़े बंगले बनाए, अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, अपने फार्म हाउस बनाए हैं। क्षेत्र की जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को क्षेत्र की जनता पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सपोर्ट करेगी और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। मौरानीपुर विधानसभा में खास करके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट कर आप विधानसभा में वो जा रहे हैं? पहला ये कि आपने उस समय जब आपके प्रत्याशी की घोषणा हुई थी तो आपने कहा था कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो मौरानीपुर को जिला बनाने की योजना बनाऊंगा, तो किन मुद्दों को लेकर आप, इसके अलावा किन मुद्दों को लेकर आप जो विधानसभा में जा रहे हैं? देखिए, मेरा भी मानना है कि निश्चित तौर पर मौरानीपुर को जिला बनना चाहिए जी। और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती तो छोटे छोटे जिले बनाने की पक्षधर रही हैं जी। सबसे पहले उन्होंने ही अपने कार्यकाल में 2007 से 2012 के कार्यकाल में, 2011 में जब हमारी इस प्रदेश में सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी जी, तो आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने का कार्य किया था। बुंदेलखंड राज का प्रस्ताव 2011 में उन्होंने विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार में भेजने का कार्य किया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने का कार्य किया था। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की बनी तो मौरानीपुर तो जिला बनना ही बनना है और साथ में बुंदेलखंड राज का भी हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड राज बगैर केंद्र की अनुमति के नहीं बन पाएगा। और जब तक हमारी सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं होगी और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होगी, हम बुंदेलखंड राज नहीं बना सकते हैं। लेकिन रही जिला बनाने की बात, तो जिला तो प्रदेश की सरकारें बनाती है, हमारे नेता हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो निश्चित रूप से मौरानीपुर को जिला बनाने का कार्य किया जाएगा। हाल ही में हमने देखा है बीजेपी हो सपा हो, दल बदल बहुत चल रहा है। आए दिन मैं जब भी सोशल मीडिया आप उठाकर देखो तो पता चला भाजपा कांग्रेस में बग गया, कांग्रेस का भाजपा में, इस दल बदल का कुछ फायदा मिलेगा आपको विधानसभा में? देखिए, दल बदल तो हर चुनाव के पहले आप देखते हैं, हर दल बदल क्या है, दल बदल क्या है कि अगर किसी नेता को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरे दल में चला जाता है। अभी जैसे मौरानीपुर में हमारे बहुत ज़्यादा दल बदल चल रहा है, एक नेता जी हैं उनके बारे में लोग वक्त तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी वो सीट को शायद अपना दल में देने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो दल बदलू है उनका कोई निष्ठा नहीं होती पार्टी के प्रति, उनको तो पद चाहिए, तो वो कैसे मिले, साम दाम दंडवेद सारी नीति अपनाते हैं और जनता ऐसे लोगों को समझ चुकी है और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता ऐसे प्रत्याशियों को जमानत कराएगी। इस वीडियो के माध्यम से रोहित रतन बसपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 2022 आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ निहार रही है जी, और पूरे प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो मेरे इस क्षेत्र के युवाओं से, बुंदेलखंड के युवाओं से, मौरानीपुर विधानसभा के युवाओं से मेरी अपील है कि आप भी इस
2022 की बनने वाली सरकार में अपना योगदान दें और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। मीडिया तो बुंदेलखंड में जीरो सीट बता रही है बसपा, और आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि मीडिया ने कभी भी बहुजन समाज पार्टी को मुख्य मुकाबले में नहीं बताया। अब जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आती जा रही है और अब मीडिया कह रही है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है। अभी देखिए, अभी ये त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। तो मीडिया तो कभी पक्षधर रही नहीं है बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि जैसे समय करीब आता जा रहा है और ये मुख्य मुकाबले में दिखा रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। अब हमारी पार्टी तो चूंकि गरीबों की पार्टी और हमारा वोट साइलेंट वोट होता है जी, ज़्यादातर हमारा वोट जो है वोटर है वो क्षेत्र के बाहर है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। लेकिन वो जब चुनाव के टाइम पे वो आएगा अपने क्षेत्र में, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में रोहित रतन जी, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने मऊरानीपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। युवा हैं, लगनशील हैं, लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। साफ तौर पर मुद्दे हैं जैसे बिजली, सड़क बेहतर हो, मऊरानीपुर को जिला बनाया जाए ताकि उसका बेहतर विकास हो सके। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। बहुत बहुत धन्यवाद।